news.in मुंबई का लाइव और मैं हूं विशम संक्रांति। आज पूरे देश में चौथरवा स्वाधीनता दिवस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। मुंबई में भी जगह जगह झंडारोहण हुआ। इसी श्रृंखला में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी को निर्देश था कि झंडा वंदन के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 220 के लोकप्रिय नगर सेवक अतुल शाह ने आज अपने क्षेत्र में शिपी टैंक चौराहे पर झंडा वंदन किया एवं रंगीन गुब्बारे छोड़कर स्वाधीनता दिवस मनाया। साथ ही पांजरा पॉल बीएमसी गार्डन एवं कुमारवाड़ा स्थित दुर्गा देवी गार्डन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आइए रूबरू होते हैं नगर सेवक अतुल जी शाह से। नहीं नहीं, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का लाल किले का भाषण सुनकर आया और करोड़ों नागरिकों ने वो देखा होगा और करोड़ों नागरिकों में एक उत्साह वर्धक भाषण पूरी पॉजिटिविटियों के साथ और उन्होंने जो जो काम किया है मैं तो दंग रह गया। 2014 के बाद 2014 में 3 या 4 हजार पंचायतों में ये ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट देता है वो होता था, मगर आज 5 लाख से भी अधिक पंचायतों में ग्रामीण भागों में इंटरनेट पहुंचा है। इससे अपने गांव के लोग भी आज ये डिजिटल जो दुनिया होने जा रही है उसमें कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे अनगिनत काम उन्होंने गिनाए वहां पर, जिसको बोलते जाऊं तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी कम पड़े। आज जो नेतृत्व कोविड के समय भी प्रधानमंत्री ने दिया है कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी नागरिकों को धीर दिया, नागरिकों को मजबूती दी और खुद भी मेहनत करके पूरे दुनिया को एक किया और चाइना को भी खबरदारी दे दी कि जो विस्तारीकरण आप करेंगे वो हम अभी सहन करने वाले नहीं है। रफेल आ गई इस दौरान और देशवासियों ने तो मोदी जी का जिस तरह से इस विपरीत परिस्थिति में साथ दिया, ये देशवासी इसके वंदनीय पात्र है। मोदी जी की हाँक दे, मोदी जी जो बोले, सारा हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता उनके साथ समर्थन में खड़ी है। आज हमारी मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको ये कहा कि कोविड में आप झंडा वंदन का कार्यक्रम लीजिए और झंडा वंदन का कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण कीजिए। हमारे इस सिपी टैंक कुंभारवाड़ा भुलेश्वर भिंडी बाजार में रोड पर तो कोई जगह नहीं है, तो हम आज इसके निमित्त पार्टी ने दिए हुए कार्यक्रम के अंतर्गत हम वृक्षारोपण यहां पर कर रहे हैं, दूसरे दुर्गा देवी गार्डन में भी करेंगे। तो और लोगों को आज खुद को वचन लेने का समय आया है कि मैं खुद देश के लिए जो पाबंदी है, थूकना नहीं है, मास्क पहनना है, 2 गज दूरी रखनी है, ये सब कोविड पर मात करने के लिए तो वो हमको करना ही है। और वोकल फॉर लोकल जो कहा है कि अभी उत्साह त्यौहार आ रहे हैं, हम क्यों नहीं ये सारा सामान अपने भारत में बनाया हुआ ले। ये तो अपने नीचे के स्तर के लोगों के लिए, वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो भारत में ही बन सकता है वही माल लेती है और वो करती है। तो आज हम प्रधानमंत्री को साथ देने के लिए आज ये वक्त है, ये 74वें स्वतंत्र दिन निमित्त मैं पूरी जनता को, मेरे तरफ से मेरे 220 वार्ड के नागरिकों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात जरूर कहता हूं कि नेगेटिविटी निकाल दीजिए, अब देश आगे चलने के लिए बढ़ गया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम सब मोदी जी के साथ चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बस इतना ही, देखते रहिए शुभ समय मुंबई का लाइव।